बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफ्रास मेहंदी डिज़ाइन। होप यू आर ऑल फाइन। सो गाइस, आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ ईमान खान की वेडिंग मेहंदी जो सर काशिफ के पार्लर में जाके उन्होंने लगवाया था, तो आज मैं आपसे ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। फर्स्टली मैंने सेंटर पे बहुत लाइट सी एज अ गाइडलाइन के तौर पे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपकी डिज़ाइंस स्ट्रेट रहें, आगे पीछे नहीं हो, टर्न नहीं हो, ठीक है। इस तरह आप करेंगे तो आपके डिज़ाइंस कर्व नहीं होंगे। मुझे देख रहे हैं कि मैं स्टार्ट मैंने मेहंदी नहीं किया, पहले मैं एज अ गाइडलाइन के तौर पे मैं इसे मेजर कर रही हूँ कि कहाँ से स्टेप लेना है आपको और कहाँ तक मेहंदी आएगी, ठीक है। तो जितनी आपके डिज़ाइंस हैं तो उसी हिसाब से आपको लेंथ के लिहाज से आपको रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम कर ले रही हूँ, मैं देख के लगा रही हूँ विदाउट देखे नहीं, क्योंकि एज इट इज़ ट्यूटोरियल शो करना था मुझे। तो आप मुझे बताइएगा कैसी लगी। डियर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि काशिफ मेहंदी डिज़ाइंस लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली इंटरनल साइड पे जो एलिमेंट्स है, जो फिलिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा बारीक बनी हुई है और एक ही स्टॉक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए। होप यू आप कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो कोई भी मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं हो, आप लगा लेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल लगा लेंगे। और जहाँ तक बात है कि फिनिशिंग इस तरह आती है कि आप एटलीस्ट एक डिज़ाइन को 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी फिनिशिंग नहीं आ रही है तो मज़ीद आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि मेहंदी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो आप अपनी मेहंदी अगर आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत भी लगाने आती है तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट ख़ुद भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कि मैंने कहीं इंस्टीट्यूट से, किसी इंस्टीट्यूट से मैंने क्लासेस नहीं ली है, ये सारी मेरी खुद की प्रैक्टिस है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मेहंदी लगाने की कितनी डिमांड है पाकिस्तान में, और ये डिमांड जो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। और दूसरी है कि अच्छे लोगों के पास वाकई टाइम नहीं होता मेहंदी लगाने के पास, और माशाल्लाह से मेहंदी की अगर आप बहुत अच्छा लगा रहे तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। 2000 से अबव आपकी प्राइस, आपकी डिमांड होती है कि आप इतनी प्राइस में लगाएं। और ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस आपकी 5000-6000 में आप इनकम का एक ज़रिया भी, आप इसमें कमा भी सकते हैं। तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्यों नहीं अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं, आप डिमांड करें। लेकिन ये है कि उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कॉन्फिडेंटली आपको मेहंदी लगानी है और बहुत ही खूबसूरत, जो आप जिस तरह एज इट इज़ देख के लगा रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, आगे पीछे नहीं हो, लेंथ जो इंक्रीज़ है उसे शॉर्ट ना कर लें। तो इन सब का बहुत ख्याल रखना। फ्रेंड्स, बेसिकली देखें, अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो आप अपने डिज़ाइंस तो लगा लेते हैं, लेकिन कोई आपके पास क्लाइंट आते हैं कि डिमांड करते हैं मुझे बिल्कुल एज इट इज़ लगाना है, तो तब आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं कि यार मैं इस तरह कैसे लगाऊँ। तो इससे पहले कि आप उस वक्त परेशान हों, आप पहले ही प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने की आप शेड्यूल इस तरह रखें कि डेली 2 आवर दें, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप 1 आवर तो निकाल लें, 1 आवर डेली प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट आप 4 to 5 मंथ में कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आप पे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस करने की भी मैंने आपको बता दी किस तरह प्रैक्टिस करना है। फर्स्टली आपको पेंसिल कॉपी लेना है, एक ड्राइंग बुक ले लें, ठीक है। आप उस पर प्रैक्टिस करें, फिर आपके हाथों में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो आप मेहंदी कौन से ट्रांसपेरेंट शीट पे, पहले तो मिरर पे होता था, लेकिन मिरर पे नहीं, ट्रांसपेरेंट मिरर पे नहीं, आप ट्रांसपेरेंट शीट ले लें, उसमें कर लें आप। देन आप उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएं कि आप बहुत अच्छे, आपकी जो प्रेशर है मेहंदी की, आप वो बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे हैं या ऑप्टिमम प्रेशर से आपकी मेहंदी निकल रही है, तो फिर आप हैंड पे प्रैक्टिस करें। हैंड पे प्रैक्टिस करें, पार्टी मेहंदी पहले सिंपल्स लगाएं, फिर थोड़ा सा हेवी में जाएं। हेवी जब लगाएं तो आप डिफरेंट डिज़ाइंस लेकर आएँ, जस्ट लाइक कुछ अरेबिक, कुछ सुडानी, कुछ काशिस डिज़ाइंस, कुछ रूसा डिज़ाइंस, इस सब की प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको एक हैंड नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए, तो नहीं से बेटर है आप ट्रांसपेरेंट शीट पे प्रैक्टिस कर लें। फ्रेंड्स, मेरी दूसरा भी चैनल है ओज ब्यूटी पार्लर के नेम से, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी वीडियो मैं शेयर करती हूँ। अभी मैंने फिट डिज़ाइन भी, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मैंने शेयर किया है, तो आपको मज़ीद और खूबसूरत डिज़ाइन देखने हैं और डिफरेंट टाइप्स के फिट डिज़ाइन देखने हैं, हैंड डिज़ाइंस देखने हैं, तो आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें इफ्रास मेहंदी के नेम से,
और फर्स्ट कमेंट में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन होगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्यूरी हो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगी, और जब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।